अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है वेजिटेबल राइस की। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक अदद बंद गोभी, दो अदद मेरे पास गाजरें थी इनको मैंने बारीक काट लिया है, मटर ऐड कर रही हूँ, एक अदद आलू है, एक अदद प्याज लिया है मैंने, नमक और काली मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, एक अदद शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और दो से तीन हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। चावलों को बॉयल करने के लिए पानी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी गर्म होगा हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इस पानी में मैंने एक चम्मच नमक और वन टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। चावलों को हम फुल बॉयल नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर एक कनी रखेंगे। वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में हम सबसे पहले दो टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन और अदरक को अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें गाजरें शामिल कर देंगे। गाजरों को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। गाजरों और प्याज को अच्छा फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हल्का सा जब नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप स्पाइसेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ और इनको दोबारा से हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सॉसेजेस ऐड करेंगे। मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 टेबलस्पून, साथ ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, वो भी तकरीबन मैं इसमें 2.5 टेबलस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, 2.5 टेबलस्पून। विनेगर भी हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इनको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल राइस अब हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। वेजिटेबल राइस हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।